हेलो एंड वेलकम बैक टू गाड़ीवाड़ी.com। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव और आज सिटोन फाइनली C3 एयरक्रॉस जो एक बड़ी गाड़ी है, C3 का एक बड़ा वर्जन है, उसको आज भारतीय बाजार में अनवील किया है, लॉन्च किया जाएगा इस गाड़ी को साल के अंत तक। और जो राइवल करने वाली है ना गाड़ियाँ, ये 10 लाख रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियाँ थी उनको राइवल करने वाली है। दिखने में कैसी है, इंटीरियर स्पेस कैसा है, क्या क्या फीचर्स मिले हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट की। हेलोजन आपको बल्ब दिखाई देने वाले हैं, येलो कलर की लाइटिंग यहाँ पे ऊपर DRLs आपको नजर आएंगी। जो C3 का सिग्नेचर डिजाइन है वही रखा गया है। सिटोन का बड़ा लोगो आपको नजर आने वाला है। पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ ग्रिल के ऊपर नजर आने वाली है और ड्यूल टोन आपको बम्पर नजर आएगा। नीचे की तरफ ये मैट सिल्वर कलर रखा गया है और ये आपका बॉडी कलर रखा गया है। तो गाड़ी दिखने में फ्रंट से अच्छी नज़र आती है, मतलब कहीं ना कहीं आपको जो C5 एयरक्रॉस आई थी उसकी जो डिजाइनिंग क्यूज हैं वो थोड़े बहुत नज़र आने वाले हैं फ्रंट के अंदर। बम्पर के ऊपर भी आपको थोड़ी सी हैवीनेस नज़र आएगी क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है शेप को। और ड्यूल टोन कलर खड़ा है मेरे सामने जिसमें आपको डार्क ग्रे कलर की रूफ नज़र आने वाली है। अच्छा, बात करते हैं साइड में क्या कुछ नज़र आएगा। साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कुछ ऐसे आपको अलॉय व्हील्स नज़र आने वाले हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं और यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश इसकी ORVM के ऊपर, ए पिलर पे ब्लैक टेपिंग है, बी पिलर पे ब्लैक टेपिंग है और काफ़ी बड़ी साइज़ की आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है ये रूफ रेल। और ये जो ड्यूल टोन कलर है इसमें डार्क ग्रे कलर आपको यहाँ साइड तक नज़र आने वाला है। ये वाला जो इसका पोर्शन है ये कहीं ना कहीं आपको C5 एयरक्रॉस की याद दिलाने वाला है। C5 एयरक्रॉस में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही डिज़ाइन रखा गया था। अच्छा, जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको ऑल्टो की याद दिलाने वाले हैं, कुछ काफ़ी सिंपल से रखे गए हैं। यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन वगैरह नज़र नहीं आएगा, चाबी लगानी होगी या आप रिमोट से आपको अनलॉक करनी होगी गाड़ी। अच्छा, बात कर लेते हैं अंदर क्या कुछ मिल जाते, तो ड्राइवर सीट के ऊपर आप, और अब बात कर लेते हैं इंटीरियर में क्या कुछ मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ गाड़ी की। कुछ ऐसी की मिलने वाली है आपको, पुश स्टार्ट बटन आपको नहीं मिलेगा C3 एयरक्रॉस के अंदर भी। डैशबोर्ड डिज़ाइन आपको सेम मिलने वाला है, आपको बड़ी साइज़ का ही इंफोटेनमेंट मिलेगा इसके अंदर। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको मैनुअल एसी कंट्रोल्स मिलेंगे, ऑटो क्लाइमेटिक एसी नहीं गाड़ी के अंदर। एक USB यहाँ पे दिया गया है, 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे दिया गया है और मोबाइल आप यहाँ पे रख सकते हैं। नीचे स्पेस दिया गया, काफ़ी सारा स्पेस आपको यहाँ नज़र आने वाला है। 6 स्पीड का गियरबॉक्स है, 1.2 लीटर टर्बो इंजन होगा ये। और यहाँ पर आपको ये हैंड ब्रेक कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। आर्मरेस्ट भी आपको मिलेगी ड्राइवर के लिए, वो कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। और स्टेयरिंग के ऊपर ऑडियो कंट्रोल्स वगैरह आपको सब मिलेंगे, बट क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको नज़र नहीं आएंगे। ऑटो डिमिंग IRVM नहीं होगा, मैनुअली ही करना होगा। और दो यहाँ पे अब देखेंगे ना तो सिर्फ 2 विंडोज़ के स्विच यहाँ पे दिए गए हैं और बाकी 2 विंडोज़ के लिए यहाँ पे पीछे दिए गए हैं। तो आपको अगर पीछे वाली विंडोज़ करनी होगी तो यहाँ से आपको बंद करनी पड़ेगी। बात करें और कुछ क्या मिल जाता है इसके अंदर, तो कुछ इस तरीके की आपको ये ट्रे मिलने वाली है। और जो सबसे कमाल की चीज़ जो एक आया है ना डैशबोर्ड के अंदर, वो आया है इसके अंदर फुल आपको दिखाई देने वाली है स्क्रीन इसके स्पीडो कंसोल के अंदर। ये पूरी की पूरी स्क्रीन लगाई गई है यहाँ पर जिसमें आप काफ़ी सारी इन्फो एक्सेस कर सकते हैं। फुल डिजिटल स्क्रीन है ये और टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम वगैरह के साथ में सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली हैं। अच्छा, बात करें हेडरूम की, तो हेडरूम मेरी हाइट के हिसाब से ठीक है। सीट हाइट एडजस्टमेंट दी गई है गाड़ी के अंदर। अंदर बैठकर आपको लगने वाला है कि आप कहीं क्रेटा की राइवल की एक सेगमेंट की गाड़ी के अंदर बैठे हैं। कहीं ना कहीं क्रेटा की जो सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, सेल्टोस, क्रेटा, फोक्सवैगन की, आपको टाइगोन एंड स्कोडा की, कुछ एक जैसी गाड़ियों को राइवल करने वाली। बट कुछ फीचर्स यहाँ पे कम किए गए हैं, जैसे कि आपको सनरूफ नहीं मिलेगी, पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलेगा, ऑटो क्लाइमेटिक एसी आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह के फीचर्स नहीं मिलने वाले गाड़ी के अंदर। बात करते हैं पीछे वाली सीट के ऊपर कैसा स्पेस ऑफर करती है ये गाड़ी, तो पीछे आपको कैसा स्पेस मिल जाता है। तो 5 सीटर वेरियंट में तो काफ़ी अच्छा लेगरूम है और मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है, तो मेरे हाइट के हिसाब से हेडरूम काफ़ी अच्छा मिला इस गाड़ी के अंदर। हालांकि कुछ कॉस्ट कटिंग आपको मेजर्स नज़र आएंगे। एक तो आपको यहाँ पे पावर विंडो के स्विचेज नज़र नहीं आएंगे रियर डोर्स के ऊपर, वो दिए गए हैं यहाँ पर सेंटर में इस जगह, और पीछे आपको एसी वेंट्स वगैरह नज़र नहीं आएगी इस गाड़ी के अंदर। हालांकि आपको आर्मरेस्ट मिलने वाली है और सीट काफ़ी कम्फर्टेबल आपको फील होने वाली है। रियर सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर यहाँ पे ये रेगजीन और फैब्रिक दोनों यूज़ किए गए हैं। नीचे वाला पार्ट रेगजीन का है, ऊपर फैब्रिक है, फैब्रिक के अंदर हेडरेस्ट है और सबसे बेस्ट पार्ट है इसका हेडरूम। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको हेडरूम मिल जाएगा। विंडो ग्लास एरिया भी काफ़ी बड़ी साइज़ का आपको नज़र आने वाला है इस गाड़ी के अंदर। 2 USB चार्जिंग पोर्ट्स आपको यहाँ नज़र आने वाली हैं पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए। एक यहाँ पे कप होल्डर दिया गया है और 2 कप होल्डर्स यहाँ पे हैं, एक मोबाइल आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ठीक ठाक आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। ये तो बात हुई 5 सीटर वेरियंट की। अच्छा, बूट स्पेस कैसा है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। और मेरे हाथ में अब जो देख रहे हैं ना, ये है थर्ड रो की सीट,
इसको आप निकाल कर रख सकते हैं, कभी बूट इंक्रीज करना हो कुछ नहीं है, चार यहाँ पे आपको दिखाई देने वाले हैं कुछ इस तरीके से। आपको कैसे लगाना है मैं दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आप इस सीट को यहाँ पर लाकर ये सीट लग गई है, तो इतने आराम से आप सीट को लगा सकते हैं। बट हालांकि 7 सीटर वेरिएंट के अंदर ना आपको बूट स्पेस नहीं मिलेगा, लैपटॉप भी आप नहीं रख पाएंगे आराम से, और सीट में कैसे बैठना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो थर्ड रो में एंटर होने के लिए आपको ये लीवर पुल करना है इस तरीके से, आप यहाँ से जाकर बैठ सकते हैं, बट मैं फिट नहीं आऊँगा थर्ड रो के अंदर, कैसे भी छोटे बच्चे ही बैठ पाएंगे। छोटा सा यहाँ पर आप देखेंगे ना, बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर वो दिया गया एक स्पेस, यहाँ से बाहर देखने की कोशिश करेंगे तब भी दिखाई नहीं देने वाला, यहाँ पर तो सिर्फ बच्चे बैठ पाएंगे। और ये जो है ना, ये आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट है, सिर्फ 7-8 इंच यहाँ पे आपको स्पेस मिलने वाला है कि छोटे बच्चे ही बैठ पाएंगे। सीट को आप निकाल सकते हैं, वो एक अच्छा पार्ट है, और यहाँ से निकलने में भी काफ़ी दिक्कत होने वाली है आपको। और अब बात कर लेते हैं रियर में क्या कुछ मिल जाता है C3 एयरक्रॉस के अंदर। तो C3 की तरह ही आपको डिजाइनिंग एलिमेंट्स कहीं ना कहीं मिलते जुलते नज़र आने वाले हैं, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो काफ़ी बड़ी नज़र आती है। एक तो इसकी जो टेल लाइट्स का जो डिज़ाइन है ना, वो बिल्कुल अलग रखा गया है, हालांकि LED आपको नहीं मिलेगी टेल लाइट्स के अंदर। काफ़ी सारी आपको यहाँ पे क्रीज लाइंस दिखाई देने वाली टेल लाइट के अंदर, एक यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश नज़र आने वाली है इसके बूट डोर के ऊपर, सिट्रोन का न्यू लोगो एंड सिट्रोन की बीजिंग आपको नज़र आने वाली है, C3 एयरक्रॉस की बीजिंग आपको यहाँ पे नज़र आने वाली है, डिफॉगर वाइपर दिया गया है, स्पॉइलर आपको यहाँ नज़र आने वाला है, शार्क फिन एंटीना नज़र आने वाला है, और काफ़ी बड़ी साइज़ की आपको रूफ रेल्स नज़र आएंगी जो काफ़ी ऊपर तक आ रखी है गाड़ी के अंदर। बूट स्पेस की मैं बात करूँ तो 500 लीटर से ज़्यादा बूट स्पेस आपको मिलेगा इस 5 सीटर वेरिएंट के अंदर, और ठीक ठाक आपको स्पेस मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे पार्शल ट्रे के ऊपर, तो फुल साइज़ की पार्शल ट्रे है, डबल साइज़ की पार्शल ट्रे आपको यहाँ नज़र आने वाली है गाड़ी के अंदर, बूट स्पेस काफ़ी बड़ा है। और वहीं पर अगर आप देखेंगे रियर बम्पर को, तो ड्यूल टोन के अंदर आपको बम्पर नज़र आएगा, पार्किंग सेंसर्स और कैमरा इसके अंदर यहाँ पर लगाया गया है, तो कुल मिलाकर दिखने में तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। बट जिस तरह के फीचर्स और जो कॉस्ट कटिंग की गई है ना, उससे आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी कीमत कहीं ना कहीं 9-10 लाख रुपए के आसपास रखी जाएगी, और उस कीमत के अंदर ना ये काफ़ी कड़ी टक्कर देने वाली है रेनो की काइगर जैसी गाड़ियों को, जो बड़ी साइज़ की 5 सीटर कार्स हैं अंडर 10 लाख सेगमेंट के अंदर। तो इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव लेता है विदा, मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।